अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माशाल्लाह जायका। आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। तो इसे कैसे बनाते हैं चलो देख लेते हैं। ये 2 लीटर दूध है, फुल फैट क्रीम दूध, 3-4 हम इसमें 3-4 बॉईल लाएंगे। तो हम इसको गैस पर चढ़ा देते हैं और इसको उबालने के लिए रख देते हैं बॉईल करने के लिए। ये मैंने 4 टेबल स्पून दूध लिया है, इसमें मैं वनीला कस्टर्ड डालूँगी 6 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई लंग्स ना रहे, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारा दूध जो है अच्छे से बॉयल हो गया है। मैं इसमें शुगर सिरप डाल रही हूँ, आप किसी भी चीनी या नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं। तो मैंने शुगर सिरप जो है 250 ग्राम लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जो मैंने कस्टर्ड का लिक्विड बना के रखा था वो भी मैंने इसमें धीरे धीरे से ऐड कर लिया है। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको इतने अच्छे से मिक्स करूँगी, देखिए अभी आप इसे कितना पता लग रहा है। हमें इसको उबालना है, इसमें हमें 2-3 बॉयल लाना है। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड करूँगी और इसको अच्छे से उबलने के लिए रख दूँगी। देखिए ये अच्छे से उबल गया। अब मैं फ्लेम बंद कर दूँगी गैस की और इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। देखिए अच्छे से ठंडा हो गया ये। अब हम इसके अंदर अपने फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो ये 4 बनानास हैं, 2 एप्पल्स हैं एंड 2 पोमेग्रेनेट्स हैं। अब हम इसको अपने कस्टर्ड में ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए रखेंगे। ये मेरी फ्रेश क्रीम है, ऑप्शनल है, आप डाल ना चाहें तो डाल सकते हैं। इससे कस्टर्ड का टेस्ट जो है इनहेंस हो जाता है। मैंने इसको 2 घंटे फ्रिज में रखा था, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना रिच एंड क्रीमी दिख रहा है और ये हमारा सर्व करने के लिए भी रेडी है। मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड करी है, ये है प्लम केक और ये हमारे आलमंड्स। प्लम केक पूरे तरीके से ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे क्या है कस्टर्ड का टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने इसमें थोड़े से प्लम केक से क्यूब्स ऐड करे हैं और थोड़े से आलमंड गार्निश के लिए। तो रेडी है हमारा ईजी एंड टेस्टी एंड यम्मी फ्रूट कस्टर्ड। कितना थिक बना है देखिए और कितना रिच लग रहा है। प्लम केक डालने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी दिखता है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा प्लम केक डाल के, देखिए कितना क्रीमी है ये देखिए। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी हो इसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।